सबसे पहले एक तवा ले लेंगे और इस पर डाल देंगे एक बड़ा चम्मच ब्लैक सेसमी सीड और एक बड़ा चम्मच वाइट सेसमी सीड। दोनों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे और एक प्लेट में रिमूव करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम ले लेंगे एक बोल, बोल में डालेंगे बड़ा चम्मच हंकर्ड। इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। इसके साथ ही जो हमने सेसमी सीड्स को ठंडा करने के लिए रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक साइड पे छोड़ देंगे। अब हम ले लेंगे पनीर, मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हम रेक्टेंगल शेप में काटेंगे, कोशिश करेंगे सब पीसेस एक साइज़ और एक ही शेप के हों क्योंकि सर्व करते वक्त ये देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब हमने जो मैरिनेट बनाया था सारे पनीर के पीसेस को चारों तरफ से अच्छे से इस मैरिनेट को कोट कर देंगे और एक साइड में रख देंगे। अब हम ले लेंगे एक पैन, इसमें डाल देंगे अपनी चॉइस का ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और मैरिनेटेड पनीर के पीसेस को इस तरह से इसमें चारों तरफ से फ्राई करेंगे। इसको हम उलट पुलट करके तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये चारों तरफ से लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। अब हम ले लेंगे सैटेट स्टिक्स और सारे पनीर को सैटेट स्टिक्स के बीच में डाल देंगे। पनीर में इंसर्ट करने के बाद एक प्लेट में डाल देंगे और अपनी चॉइस की सॉस के साथ सर्व करेंगे।